23 रहबरे तालीम टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है, और ये तब किया गया है जब इन्हें परमानेंट किया जाना था, यानी कि 5 साल का प्रोबेशन पीरियड इनका पूरा हो गया था और इसके बाद अब इनके सर्टिफिकेट जो है, इनके दस्तावेज जो है वो कमेटी द्वारा जो वेरीफाई किए जा रहे थे, जहां पर ये देखा गया कि 23 ऐसे रहबरे तालीम टीचर्स थे जिनके जो सर्टिफिकेट हैं वो काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं है। जिन्हें भी परमानेंट किया जाता है वो COBOS यानी कि काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से उनके सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, वैध होते हैं, उन्हीं को आगे परमानेंट किया जाता है। ये भी देखने वाली बात है कि इन जो 23 रहबरे तालीम टीचर्स हैं जिन्हें टर्मिनेट किया गया है, इनका 5 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका था और सिर्फ एक ही स्टेप रह चुका था इनका परमानेंट होने का, वो थे इनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, इनके डॉक्यूमेंट की जांच, जो यहां पर देखा गया है। और साफ तौर पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ ये सारी जांच पहुंची, उनके पास ये जब बात पहुंची तो उन्होंने इन सभी पर कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इन 23 के 23 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया जाए। रहबरी तालीम जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर टीचरों की कमी जो है, शिक्षकों की कमी जो है वो पूरी की जाए, इसलिए रहबरे तालीम टीचर्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिस तरह से इन 23 टीचर्स को टर्मिनेट किया गया है, या आने वाले समय में उन सभी टीचर्स के लिए या उन सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक हिदायत है, जो लोग कहीं से भी डिग्री ले लेते हैं, कहीं से भी जो है अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या वो मान्य है, क्या वो सर्टिफिकेट मान्य है, क्या वो डिग्री मान्य है, क्या वो डिप्लोमा जो है मान्य होगा उनकी आगे पढ़ाई के लिए, या फिर आगे जो उन्होंने अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है क्या वहाँ पर ये मान्य होगा। क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है और बहुत सारी ऐसी डिग्री या ऐसे कॉलेजेस की बात की जाती है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाती है कि वहाँ से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वहाँ की डिग्री, वहाँ के सर्टिफिकेट जो हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए मान्य नहीं होंगे। आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लीजिए, जितने मर्जी आप वहाँ पर पैसे जो हैं वो अपने खर्च कर लीजिए। ये 23 लोगों के नाम भी आप देख सकते हैं, ये 23 लोग हैं और साफ तौर पर यह हिदायत आने वाले समय में सभी लोगों के लिए है। पहले भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इन चीज़ों में फंस चुके हैं और कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि जहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या वहाँ से हम आगे जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अलर्ट रहिए क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी इस झांसे में आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। ये 23 टीचर्स जो हैं इनमें से 15 जो है वो राजौरी के रहने वाले हैं, 4 जो है वो डोडा के हैं, 2 रियासी के हैं, 1 किश्तवाड़ और 1 जम्मू का है, और इन तीनों को पूरे तरीके से अभी टर्मिनेट कर दिया गया। और हो सकता है आने वाले समय में ये कहीं और भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक उम्र का भी तकाजा होता है। 5 साल का इन्होंने प्रोविजन पीरियड दे दिया था, उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई किए गए, उनकी जाँच की गई, जिसके बाद ये नतीजा निकला है कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो दस्तावेज हैं वो वैध नहीं, इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और जहाँ पर भी अभी तालीम दे रहे थे, जहाँ पर भी ये चुने गए थे, वहाँ पर वहाँ के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं वहाँ पर ये लेटर भी भेज दिया गया है कि तुरंत जो है इन सभी को टर्मिनेट कर दिया जाए। आप लोगों को भी समझना होगा कि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई आप पर भी हो सकती है। अपने सर्टिफिकेट, अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा कि वो वैध है, क्या वो मान्य है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट जॉब में हमारे अप्लाई करने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।